अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत से भाई ये सवाल करते हैं कि नए साल का जश्न मनाना और मुबारकबाद देना कैसा है। तो गुजारिश ये है कि ये साल जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है, ये अंग्रेज़ों की तारीख से ताल्लुक़ रखता है, ईसाइयों की तारीख से ताल्लुक़ रखता है, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से ताल्लुक़ रखता है। इसका जश्न मनाना कैसे जायज़ हो सकता है जबकि वो साल जिसे इस्लामी साल कहा जाता है, जिसका ताल्लुक मुसलमानों की तारीख से है, नबी अलैहिस्सलाम के मक्का से मदीना की जानब हिजरत करने के वाक़े से है, उसका जश्न मनाना भी जायज़ नहीं है, क्योंकि ये चीज़ नबी अलैहिस्सलाम से साबित नहीं है, आपके सहाबा किराम से साबित नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ से इजतनाब करना चाहिए, और जब आप हर साल इसका जश्न मनाएंगे तो ये इसको ईद बनाने के मुतरादिफ़ होगा, और इस्लाम में दो ही ईदें हैं, ईदुल फितर और ईदुल अधा, कोई तीसरी ईद नहीं है। और इस सिलसिले में एक रवायत तबरानी की जिक्र की जाती है, जिसमें आता है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन जब चाँद देखते नए साल का या नए महीने का, तो वो एक दुआ पढ़ा करते थे। तो गुजारिश ये है कि वो रवायत साबित नहीं है, इसीलिए शेख अल्बानी रहिमहुल्लाह ने उसे ज़ईफ़ करार दिया है और उस रवायत को अपनी उस किताब में जगह दी है जिसे असिलसिला अज़ईफ़ा कहते हैं, यानी कि ज़ईफ़ रवायात। तो इसलिए नए साल का जश्न मनाने से इजतनाब किया जाए, इसका अहतमाम करने से इजतनाब किया जाए, और इसका ये अहतमाम करना, जश्न मनाना ईसाइयों से मुशाबत है, काफरों से मुशाबत है, और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन्हुम, जो किसी कौम की मुशाबत करे वो उन्हीं में से है।